वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास. टुडे आवर टॉपिक इज एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. 1 एम्पियर करंट का एसआई परिभाषा क्या होगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई में भी और बिहार बोर्ड में भी. राइट एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट. ये डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से निकाले जाते हैं. पिछले लेक्चर में आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया था. ये फॉर्मूला था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स. इफ टू वायर्स लाई एट सम डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ईच वायर्स, देन द फोर्स बिटवीन टू वायर्स का ये फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 by R into L. अब इसमें देखिए, हम लोग अगर मान के चले हैं पहले से कि करंट 1 एम्पियर, उल्टा चल रहा है कि हम I1 और I2 दोनों का मान 1 एम्पियर है, लेंथ 1 मीटर है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स कितना होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10^-7 फीट ऑफ पैलेट, और आर की जगह पे 1 डालेंगे तो 2×10^-7 न्यूटन निकलेगा. अब इसी को हम रिवर्स कर रहे हैं कि अगर दो वायर्स हो, इक्वल करंट पास हो रहा हो, बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, लेंथ 1 मीटर हो, ऐसे कंडीशंस में अगर फोर्स 2×10^-7 न्यूटन का हो, तब प्रत्येक वायर से फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर का होगा. यही इंटरनेशनल डेफिनेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसका, 1 एम्पियर करंट का. हम लोगों को डेफिनेशन कितना चाहिए, एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट. 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का एसआई डेफिनेशन क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे कि इफ द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इक्वल कैरिंग वायर्स लायर्ड 1 मीटर डिस्टेंस लेंथ 1 मीटर इज 2×10^-7 न्यूटन, देन तब फोर्स, देन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ईच वायर इज 1 एम्पियर करंट, 1 एंड दोनों से 1 एम्पियर का करंट पास होगा, 1 एम्पियर करंट. क्या देखा कि दो वायर हो, दोनों की बीच की दूरी 1 मीटर हो, डिस्टेंस कितना हो 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, करंट का मान इक्वल दोनों से आई, और फोर्स कितना लग रहा हो 2×10^-7 न्यूटन, तब दोनों वायर से फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर का होगा. कंडीशन है कि फोर्स का वैल्यू अगर 2×10^-7 न्यूटन का हो जाए, तब हर एक वायर से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर करंट कहलाता है. यह था आपका एसआई डेफिनेशन
अब हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है का नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। एम्पियर सर्किटल लॉ, पहले लॉ का स्टेटमेंट लिखा जाता है। इनका स्टेटमेंट है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑफ एनी क्लोज पार्ट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रेडिंग इट। ये है इसका स्टेटमेंट, इसको समझा जाए। क्या कह रहा है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एनी क्लोज पाथ इज म्यू नॉट टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रेडिंग इट। इसको मैथमेटिकली हम लोग जो दिखा सकते हैं, लाइन इंटीग्रल है किसका? मैग्नेटिक इंडक्शन का। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, ठीक है? क्लोज पाथ है, यहां क्लोज बना दीजिए, इसको कहेंगे लाइन इंटीग्रल है किसका? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। लाइन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो डीएल लिखेंगे। इसी को पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। इंटीग्रेशन का साइन है, लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका? मैग्नेटिक इंडक्शन का। क्लोज पाथ के लिए है तो यहां पे एक सर्कल बना दिया, तो सर्कल दिखा रहा है क्लोज पाथ। इट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रेडिंग इट, जो इसको प्रभावित कर रहा है। थ्रेडिंग मतलब यहां पे प्रभावित करना। इसका प्रूफ ऑफ एक्सप्लेनेशन दोनों एक साथ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, इसको इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, इक्वेशन इज कॉल्ड कहलाता है इंटीग्रल फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म कह सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ इसका प्रूफ देखा जाए। मान लो एक क्लोज पाथ है, क्या है? क्लोज पाथ, और इससे मान एक सर्कल है, तो सर्कल क्या है? क्लोज पाथ होगा ना, सर्कल इज क्लोज पाथ। अब इसके बीचों बीच एक वायर ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट वायर, हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते हैं इसको, हम ऐसे दिखा रहे हैं, और इससे आई करंट पास हो रहा है। तो क्या कह रहा था? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एनी क्लोज, इस पूरे क्लोज पाथ का मैग्नेटिक इंडक्शन का जो लाइन इंटीग्रल होगा, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ ले लें डीएल लेंथ का, तो इस लेंथ यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन बी मान लीजिए, इस मैग्नेटिक इंडक्शन बी और डीएल दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। आपने पढ़ा है बायट सावर्ट लॉ में भी, लाइन ज्वाइनिंग पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन। इसका रेडियस मान लिया जाए आर है, इस तार का नाम दे दीजिए एम,
सेंटर का नाम दे दीजिए ओ। तो इस पूरे क्लोज पाथ के मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल का मान बराबर हो जाएगा म्यू नॉट गुने जितना करंट इससे पास हो रहा है। यही करंट उसको क्या कर रहा है, थ्रेड कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ के लिए हम मानेंगे लेट एन एन इज ए स्ट्रेट वायर विच इज पासिंग थ्रू थ्रू सेंटर ऑफ ए सर्कल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो अब आप LHS लेके चले, नाउ LHS ऐसा करते हैं हम लोग इतना पहले लिख लें फिर इस पे हम लोग आगे जगह कम है यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हुई। एक आदमी बोलो यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लिखिए कैसे अभी जब शोध बनाएंगे उसको दिखना ना ये वीडियो चैनल है। तो प्रूफ देखने जा रहे हैं आप एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ। इसके लिए हम लोगों ने एक सर्कल लिया और उसके सेंटर से एक स्ट्रेट वायर पास किया और इस वायर से आई करंट पास हो रहा है। अब इस सर्कुलर पाथ के एक छोटे से टुकड़े पे हम लोग विचार करते हैं, कंसीडर करते हैं। कुछ नाम दे सकते हैं आप, एम एन दे दीजिए, जिसका लेंथ BL है, टेक ए स्मॉल पार्ट, टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ, ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ BL। नाउ LHS प्रूफ के लिए क्या करते हैं, LHS इक्वल RHS क्या करेंगे। तो LHS में देखा जाए क्या हमारा B डॉट DL है, B डॉट DL है। पूरे सर्कुलर पाथ की बात करें तो यहां अगर हम लिमिट दें लेंथ DL, लेंथ के रिस्पेक्ट में लिमिट पड़ेगा तो पूरा सर्कल का जो लेंथ होता है वो उसका सर्कमफेरेंस होता है। आप जानते हो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, यहाँ लोअर लिमिट 0 डालेंगे, अपर लिमिट 2πr डालेंगे। और अकॉर्डिंग टू फिगर बी आई एन डी एल लाइन सेम डायरेक्शन, दिस विल बी बी डी एल कॉस 0 डॉट फॉर्मूला पढ़े ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे आ रहा है 0 degree, यहाँ 0 और 2πr पुट करें। और किसी स्टेट वायर के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, किसी स्टेट वायर के लिए म्यू नॉट 2I/R DL एंड cos 0 इज 1 लिमिट 0 से 2πr। इंटीग्रेशन सिर्फ DL का होगा, बाकी सारे कांस्टेंट बाहर जाएंगे, म्यू नॉट बाहर, 2I बाहर, 4π बाहर, R बाहर। बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यू नो एल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज एल एंड 0 to 2πr म्यू नॉट 2I/4πr दिस विल बी 2πr-0 म्यू नॉट 2I/4πr और फिर यहां लिखेंगे 2πr। देखिए हमारा आर एच एस आ रहा है क्या, यस सर यू नो डाइए, यहाँ देखिए आर कैन पाई कैन पूजा फोर कैन क्या आ गया, ये आर एच एस है ना, यस सर।
इस तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ का हम लोगों को प्रूफ मिल गया, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इनका एप्लीकेशंस देखने हैं, क्या देखने हैं? अनुप्रयोग। इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो सोलेनोइड पे, सोलेनोइड हिंदी में परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका। इसी सोलेनोइड के मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला निकालना हो तब हम लोग उसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं। क्या निकालने के लिए? क्या निकालने के लिए? किसी सोलेनोइड के मैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्रेशन निकालना हो तो हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ। इनका एप्लीकेशन आपको दिखाने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। पहला एप्लीकेशन आपको दिखा रहा है डिडक्शन ऑफ इन डिडक्शन ऑफ एंड एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड। क्वेश्चन जो रहता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा आपको, ये जो हेडिंग होता है वही क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट होता है। क्या कह रहा है? डिड्यूस या डिडक्शन, एग्जाम में डिड्यूस लिखा रहेगा, हम यहाँ पे डिडक्शन लिखे हैं, जब ये क्वेश्चन बनेगा तो वहां पे डिड्यूस वर्ड मिलेगा। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज सोलेनोइड? सबसे पहला तो ये है कि सोलेनोइड क्या है। एग्जाम हो सकता है डिफाइन सोलेनोइड, पहले तो डिफाइन कीजिए फिर उसका फॉर्मूला निकालिए। परिनालिका क्या है? टेंथ में ये पढ़ा होगा, कहा था कि वायर हो उसको हेलिकल फॉर्म में लपेटा जाए, इस तरह से लपेटा जाए कि उसकी लंबाई ज्यादा हो, उसकी लंबाई ज्यादा हो डायमीटर से, तब इसकी का नाम हो जाएगा सोलेनोइड। अगर किसी वायर को ले लें, कंडक्टिंग वायर को, और उसको इसी तरह से मैंने फिगर बनाया है, हेलिकल फॉर्म इसको बोलते हैं, स्प्रिंग जैसा लपेटिए, कैसा लपेटिए? इस तरह से लपेटे कि लंबा ज्यादा हो, लंबाई इसकी ज्यादा हो, मोटाई कम, ये डायमीटर कहलाता है। तो इस सिस्टम का नाम हो जाएगा सोलेनोइड। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही इससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है ये मैग्नेट बन जाता है, इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट, ये छर चुंबक जैसा काम करने लगता है। और ये जो मैंने अभी दिखाया यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनोइड दिखाया है। हो सकता है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कंस्ट्रक्ट ए सोलेनोइड एंड ड्रो इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक सोलेनोइड बनाइए उससे करंट पास कीजिए और फिर उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाइए। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? जस्ट लाइक क्या हुआ, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसका था? एक छोटे छर चुंबक का, बार मैग्नेट का। तो किसी भी सोलेनोइड का ही प्रॉपर्टी है कि जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वह छर चुंबक जैसा, बार मैग्नेट जैसा काम करने लगता है। तो इनका डिफिनेशन पहले लिखिए कि व्हेन ए वायर इज रैप्ड,
रैप मतलब लपेटना, रैप मतलब क्या होता है लपेटना, इन हेलिकल फॉर्म, स्प्रिंग जैसा फॉर्म जो को बोलते हैं हम लोग हेलिकल फॉर्म, इन सच अ वे दैट इस प्रकार की इट्स लेंथ इज मच मोर देन इट्स डायमीटर, then the system is called कहलाता है सोलेनोइड का प्रॉपर्टी क्या है कि when इलेक्ट्रिक करेंट passes through a solenoid, then it behaves as solar magnet, छड़ चुंबक के जैसा काम करने लगता है। अब इसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे, जब भी एग्जाम आएगा पहले डिफिनेशन पूछेगा और फिर एक्सप्रेशन निकालने कहा जाएगा, इसलिए मैंने पहले डिफिनेशन लिखाया और फिर इसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। जल्दी लिखिए, अब आप फिर से फिगर बनाएंगे इंडक्शन निकालने में, फिर से फिगर बनाएंगे और इसमें स्विच ऑन करने के बाद एक क्लोज पाथ लेते हैं, टेक ए क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ हो गया, विद्युत धारा ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं है, नीचे करना पड़ेगा, आ रहा है सर, आ रहा है, इसका नेमिंग कुछ, ये एबी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड के, सीधी परपेंडिकुलर होगा, सॉरी बीसी, और सीधी ये बाहर में है किसका जीरो मानेंगे, मैग्नेट से बहुत दूर जाइए तो वहां पे कोई फोर्स नहीं लगा पाता है, या फिर हमको देखिए निकालना है किसका है, सोलेनोइड का है, बाहर का नहीं निकालना है, इसके सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, और सीधी क्या है बाहर में इसका हम लोग जीरो मानेंगे, और फिर ये डीए इसका निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर है, इससे पहले मानिए लेट ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल कंटेन मीन्स होता रखना एन टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ व्हेन आई करंट पासेस, जब आई करंट इससे पास किया जा रहा है देन मैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन प्रोड्यूस्ड इज बी, टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, टोटल टर्न्स इन सोलेनोइड ये हो जाएगा एन गुने एल, टोटल टर्न्स कितना माना है आपने, एन माना है, यूनिट लेंथ में एल माना है, लेंथ टोटल एल है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा एन इंटू एल, यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है, एल लेंथ में कितना टर्न्स होगा, एन गुने एल होगा, एन इंटू एल, टेक ए क्लोज पाथ, टेक ए क्लोज पाथ ए बी सी डी ए, देन according to Ampere's circuital law, क्या फॉर्मूला पढ़ा, B dot dl बराबर mu not I, क्लोज पाथ का नाम यहां लिख देंगे ए बी सी डी ए, और mu not I देखिए एक सर्कल के लिए था, यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं, बहुत सारे एन एल है, टोटल टर्न्स
एन गुने एल आ गया, मतलब इतना सर्कल हो गया, तो एन गुने एल से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम लोग एलएचएस पे विचार करेंगे, एलएचएस लेंगे, एलएचएस पे हमारा है बी डॉट डी एल, यहाँ है ए बी सी डी ए, क्लोज पाथ के लिए जैसे ए बी सी डी फिर ए तब क्लोज होगा, क्लोज के लिए जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म करते हैं। इस पे हम लोग अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको क्या करेंगे फैलाएंगे, कैसे बी डॉट डी एल ए बी को अलग करेंगे प्लस बी डॉट डी एल बी सी को अलग करेंगे प्लस बी डॉट डी एल सी डी को अलग करेंगे प्लस बी डॉट डी एल डी ए को अलग करेंगे, ए बी अलग बी सी अलग सी डी अलग डी अलग। अब इसमें फॉर्मूला देखिए, ये जो है ए बी इनका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में थीटा जीरो होता है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कितना हमारा हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो ये होगा बी डी एल कॉस 90, ये आउट साइड है इसको डायरेक्ट जीरो करेंगे, इसका बी डी एल कॉस 90 थीटा देखिए ना 90, यहाँ पे 90 दिख रहा है ना आपको थीटा 90, सी डी और डी ए दोनों 90 का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, डी एल का इंटीग्रेशन एल बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान 1, कॉस 90 जीरो 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 बराबर निकला बी एल, ये निकला एल एच एस, एल एच एस का मान निकल गया बी एल। अब एल एच एस का मान को हम लोग बैठा देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इतना ही से काम हमको, अब फर्स्ट एंड सेकंड से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, एलएचएस के जगह पे मान जो निकला बीएल वो पुट करें, आरएचएस में हमारा म्यू आई एन एल है, देखिए म्यू आई एन एल इसका मान निकाल चुके हैं हम लोग बीएल एल एल खत्म कट गया, क्या बचा म्यू नॉट आई एन, यही फॉर्मूला निकल गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला VBI फॉर्मूला मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड, यहाँ दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दो इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन करंट के बढ़ने से बढ़ेगा या घटेगा, देखिए बी और आई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इंडक्शन होगा, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये जितना ज्यादा लेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, किसी सोलेनोइड का मैग्नेटिक इंडक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक करंट पर और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर, करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तब भी मैग्नेटिक इंडक्शन का मान बढ़ेगा। एनी प्रॉब्लम?